हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बी एल मेमोरियल अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी ना। अभी तक जिसने नहीं की है वो पहले फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक सारे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1.3 में क्या है, अब देखो अभी तक हमने क्या किया, इंटीजर चैप्टर चल रहा है हमारे, इंटीजर्स का क्या किया हमने, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। एक्सरसाइज में हमने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। अब एक्सरसाइज 1.3 में हम क्या करेंगे, इंटीजर्स का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सब में क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 3 × -1। मैं इससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जैसे प्लस और प्लस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। अगर माइनस आगे है और प्लस पीछे है, मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। अगर प्लस आगे है और माइनस पीछे है तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। ये चीज अगर आपको समझ में आ जाए, ये चीज अगर आपको याद हो जाए तो आपको कुछ भी ये इस क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन मल्टीप्लाई की जगह अगर मैं डिवाइड भी लगा दूं तो भी यही आंसर आएगा, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस। माइनस माइनस क्या होते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में, प्लस। माइनस हो आगे फिर पीछे प्लस हो तो माइनस, प्लस आगे हो माइनस पीछे हो तो भी माइनस, ठीक है। तो अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। तो सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता होगा, हम पहले साइन देख लेते हैं। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस, माइनस का साइन, आंसर में तो क्या आएगा हमारे, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब 3 × 1 कितना हो गया, 3, बस इतना सा करना है हमें, इसके अंदर इतना ही करना है ना। अब देखो बी पार्ट देखते हैं हम इसका, बी पार्ट क्या कह रहा है, -1 × -1 × 225। अब माइनस का, और ये इसके आगे कोई साइन नहीं तो क्या है, ये प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 225 × 1 = 225 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 225, ठीक है। इसी तरीके से सी पार्ट देखो, -21 × -30। अब माइनस और माइनस क्या हो गए यहाँ पे, प्लस हो गए। अब देखो यहाँ पे 21 और 30 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, केवल मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है, 3 × 6 = 30, आंसर क्या आ गया, 6 × 30। प्लस कैसे आया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर किस में आया, प्लस में 6 × 30। कैसे आया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 0 का 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डी पार्ट क्या कह रहा है आपको, डी पार्ट में क्या दे रखा है, -316 × -1, ठीक है। माइनस और माइनस फिर से क्या हो गए यहाँ पे, प्लस हो गए, माइनस और माइनस फिर से क्या हो गए, प्लस हो गए, और 316 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 316, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, बाकी के पार्ट्स भी इसमें करने हैं। अभी तक हमने केवल दो दो मल्टीप्लीकेशन ही है, आगे क्या है, तीन तीन मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक मैं आपको पार्ट करके बताती हूँ, जी पार्ट देखिएगा, जैसे 9 × -3 × -6, मैं इसका साइन बताऊंगी आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्लस का साइन है, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके किसके साइन में आ जाएंगे, प्लस के साइन में आ जाएंगे, मैं केवल साइन बता रही हूँ आपको, ठीक है।
ये प्लस का साइन है, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके किस में आ गए, प्लस में आ गए। फिर प्लस और प्लस का आंसर तो हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो 9 × 3 × 6 मल्टीप्लाई कर लो, केवल मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है हमें इसके अंदर, और क्या करना है। इसी तरीके से आपको इसमें जे पार्ट तक करने हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसके अंदर जे पार्ट है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो ये सारे आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं नोटबुक के अंदर। आपसे जितने होए उतने आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। आपको आंसर भी चेक करना है पीछे के, आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।